अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आप भाइयों के साथ है। अल्लाह पाक आप भाइयों को खुश रखे, अपने जमान में रखे, हर दुख दर्द तकलीफ़ों से दूर रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बना रहा हूँ एक भाइयों के लिए, ठीक है व्यूअर्स। उस भाई ने बताया कि मैं नए कबूतर लेके आ रहा हूँ और मुझे खोलने का तरीका बताएं, ठीक है व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप भाइयों को नए कबूतर खोलने का जो तरीका होता है वो बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। और जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे गुजारिश की वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करे और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप भाइयों तक पहुंच जाए, ठीक है व्यूअर्स। तो उस भाई की भाई ने कहा था कि कबूतर ले रहा हूं, मुझे बताएं कि मैं कबूतर नए कैसे खोलूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो आज की यही इस बारे में डिस्कस करेंगे आप भाइयों के साथ कि किस तरीके से कबूतर खोलने हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो सबसे पहले जहाँ से भी आप कबूतर लेते हो तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि कबूतर लड़ता हुआ होना चाहिए, ठीक है व्यूअर्स। आप उसकी छत पे जाएं, कबूतर लड़ाएं, लड़ा के लड़ते हुए कबूतर ही होने चाहिए, ठीक है व्यूअर्स। और उसके बाद उस कबूतर को आपने वहाँ पर, जैसे ही जहाँ से आप कबूतर उठा रहे हो वहाँ पर आपने चेक कर लिया, कबूतर पसंद कर लिया, आपने लड़ा लिया, कबूतर आपको एग्री हो गया, आपने लेने हैं कबूतर, तो आपने वहाँ पर उस कबूतर को तावे कराने के बाद दाना नहीं देना है, ठीक है। जिस भाई की छत से आप कबूतर उठा रहे हो वहाँ पर आपने उसको दाना नहीं करना है आखिर में, ठीक है व्यूअर्स। कबूतर लड़ा लिए, उसने लड़ाने के बाद जैसे बंद किए, तावे शावे कराने के बाद बंद किया, आपने वहाँ पर चक्की पे चक्की देनी है, पर दाना पूरा नहीं करना उसका कबूतर का, ठीक है। वहाँ से आपने कबूतर उठा लिए, ठीक है, और पेटी में डाल के ले आए अपने घर पर। अब वहाँ से तो आपने कबूतर ले लिया, अब अपने घर पर आपने क्या करना है और किस तरीके से कबूतर खोलना है उसके बारे में आप भाइयों को डिटेल से मैं बताता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो आपने क्या करना है, पहले दिन जैसे ही आप कबूतर लेके आए हो आपने अपने जाल में खड़ा किया, आपने जैसे ही जाल पे खड़ा किए कबूतर, आपने क्या करना है, पानी बना लेना है एक, ठीक है। आंबा हल्दी ले लेनी है और हल ले लेनी है, ये दो चीज़ों का आपने पानी बना देना है। अब 20 कबूतर हैं, आपने क्या करना है, 25 किस्से आपने हड़ के लगा देने, ठीक है, और 15 किस्से आपने आंबा हल्दी के लगा देने, ठीक है, पानी में। ये घिस के आपने उनके आगे पानी रख देना है, ठीक है, पानी रख देना है और उनको बंद रहने देना है। और दूसरे दिन, उस दिन आपका दाना नहीं हुआ, दूसरे दिन आपने क्या करना है, कबूतर को आपने ले लेना है मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू ले लें, ठीक है, मिठाई की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगा, एक मोतीचूर का लड्डू लेके आ जाएं। और 20 कबूतरों का जो होता है एक पाव दाना होता है, उसमें से आपने आधा पाव दाना ले लेना है, ठीक है। आधा पाव दाना लेके उसमें आपने क्या करना है, मोतीचूर का एक लड्डू लिया है आपने, उसका आधा लड्डू आपने आधे पाव दाने में मिला के आपने अपने साथ रख लेना है, ठीक है व्यूअर्स। अब जैसे ही कबूतर खोलने का टाइम आया, आपने छत पे गए, छत पे जाने के बाद आपने क्या करना है, पानी हटा लेना है उसके आगे से, ठीक है, पानी हटा लेना है, और मोतीचूर का लड्डू आपने पिंजरे के अंदर ही उसको खिला देना है, पिंजरा आपने साफ कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है, पिंजरा आप साफ करना, पिंजरा साफ कर लेना, ठीक है। आपने उसको पिंजरे के अंदर ही आपने उसको मोतीचूर के लड्डू का दाना, आधा पाव दाना आपने आवाज मारना है और दे देना है, ठीक है, आधा पाव आपने ये दाना उसको देना है। दो से तीन दिन, तीन दिन आपने पूरा कंटिन्यू करना है, मोतीचूर के लड्डू आपने 3 दिन देना है और आधा पाव दाना ही देना है आपने, ठीक है। और इसी के साथ आपने एक मुट्ठी, ऐसे एक मुट्ठी आप भर लें चने की, ठीक है व्यूअर्स, एक मुट्ठी चने की आपने भर के वो भी डालनी है, ठीक है। जैसे कि आप मोतीचूर के लड्डू का आपने दाना दे दिया, दाना कबूतरों को खिला दिया, मोतीचूर का लड्डू का दाना खिला दिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, दाना आपका हो गया, आपने क्या करना है, एक मुट्ठी चना भर के आगे कबूतरों के खिला देना है, ठीक है। और पानी फिर आपने वही करना है, पानी आपने आप बाल दी और हल ले लेना है, इसी का पानी आपने 3 दिन ये पानी कंटिन्यू करना है, 3 दिन आपने मोतीचूर के लड्डू का दाना कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप 3 दिन ये करोगे आपके सामने कबूतर आपके हाथों पे आ जाएगा और कबूतर आपको इंतज़ार में करेगा। जैसे ही आप पतीली उठाओगे ना, पतीली उठाओगे वो कबूतर आपके नज़दीक आएगा, क्योंकि आपने उसको 3 दिन तक मीठा दाना दे रहे हो। आप 3 दिन तक आप उसको मीठा दाना जब दोगे, कबूतर खुद ब खुद उस दाने की तमन्ना में बैठा होगा कि मुझे ये दाना मिले, ठीक है। तो जैसे ही आपने 3 दिन ये दाना दोगे, उसके बाद आपने चौथे दिन क्या करना है, कबूतर की कंडीशन देख लेनी है। चौथे दिन आपने कबूतर की कंडीशन देख लेनी है। आप जैसे ही आप पिंजरे के दरवाजे के पास, चाल के पास आए हो,
आपने चक्की हल्की सी चक्की मारनी, देखने है कि कबूतर नीचे आते हैं नहीं आते। अब देखें आप जैसे पतवास पे कबूतर बैठे होंगे, आपने हल्की सी पिंजरे पे चक्की मारी, कबूतर सारा नीचे, ठीक है। जैसे ही कबूतर नीचे आ जाए फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता लग जाएगा कि अब कबूतर मेरा भूखा है। अब कोई कबूतर उसमें जो नखरा नखरे वाला कबूतर होता है वो नहीं आता है नीचे, आपने उस कबूतर को पकड़ लेना है, उस कबूतर को पकड़ लेना है। बाकी कबूतरों का क्या करना है, आपने दरवाज़ा खोलना है और मोतीचूर का लड्डू का वही बाजरा बना लेना है, अपने हाथ पे ही रखना है, ठीक है। हाथ पे ही रखना है मोतीचूर के लड्डू का दाना और पतीली अपने हाथ पे रखनी है, ठीक है। और जैसे ही दरवाज़ा खोला, पहले तो आप चक्की दरवाजे के अंदर ही मार दें, पहले आप चक्की दरवाजे के अंदर मार दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोलने के बाद आपने थोड़ा बाहर बुलाना है, बाहर बुलाने के बाद चक्की देनी है और फिर थोड़ा अंदर बाहर पिंजरे के अंदर भरियां लगवानी है उसको, ठीक है। जैसे ही आप पिंजरे के दाना थोड़ी चक्की देनी है, ज़्यादा दाना नहीं देना है आपने, थोड़ा बाहर आया कबूतर आपने चक्की मारी फिर पिंजरे के अंदर, फिर अंदर बाहर भी आपने चक्की देनी है, पिंजरे के अंदर भी चक्की देनी है। और जो कबूतर उड़ता है उसको छोड़ देना है आपने, बाकी अपने ये जो कबूतर आपने खोले हुए इनको आपने दाने पे रखना है। दाने पे रखने के बाद बाहर का मैदान थोड़ा थोड़ा ही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट आपने देने कबूतर को बाहर। चौथे दिन आपने पिंजरे से बाहर निकालना है, पिंजरे से बाहर निकालने के बाद आपने चक्की अंदर मारनी है, बाहर मारनी है, फिर उसके बाद उसको बंद करने वाली बात करनी है। आपने उसको खोलना छोड़ना, खुला छोड़ना नहीं है आपने, बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने। आपने उसको अंदर बाहर दाना देने के बाद बंद कर दें, ठीक है। फिर उसको वही पानी और दाना वही रखें, ठीक है। चौथे दिन भी आपने मोतीचूर का लड्डू का दाना भी रखना है, आपने आधा पाव आपने दाना देना है, क्योंकि वो पूरे कबूतरों का है एक पाव दाना। हम उसको 3 दिन से आधा आधा पाव दाना देंगे तो कबूतर खुद ब खुद जल पे आता जाएगा, ठीक है। लेकिन जल पे आने देना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपका चौथा दिन कंप्लीट हो जाए, पांचवें दिन आपने थोड़ा दाना बढ़ा देना है, आपने बाहर भी निकालना है, अंदर बाहर भी करना है और थोड़ा दाना बढ़ा देना है, बल्कि आपने एक मुट्ठी ज़्यादा कर देनी है दाने की। और चना भी आपने कंटिन्यू रखना है, चना आपने लाजिम कंटिन्यू रखना है, चना नहीं बंद करना आपने। अब चौथे दिन आपने कबूतर बाहर निकाले, आपके कबूतर पांचवें दिन भी बाहर आ गए, अब आपने बाहर घुमा के अंदर बंद कर लिए। पांचवें दिन, छठे दिन आपने क्या करना है, ऊपर नीचे की भरियां देनी है, पिंजरे के ऊपर दाना उछालना है और पिंजरे के ऊपर बैठे नीचे आए। जब पिंजरे के ऊपर नीचे बैठना शुरू कर दे आपका कबूतर, आपने उसका एक पाव दाना बराबर कर देना है। जैसे कि अब आपको पता लग गया मेरे कबूतर ऊपर नीचे होके बैठ रहे हैं, ऊपर नीचे होके बैठ रहे हैं, आपने हल्का सा तावा भी करा देना है। अगर हो सकता है कबूतर ने तावा ले लिया आपका, जैसे तावा भी लेके बैठ जाए आपका कबूतर, आपने फटक उसका दाना जो है पूरा करना है। दाना पूरा करने के बाद आपने चिकनाव बनाना है, चिकनाव लगाना है, ठीक है। चिकनाव लगाने के बाद आपने फिर तावा वावे कराना शुरू करा देना है। तो यह थी कबूतर खोलने की कंडीशन के तरीके, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, कबूतर जाल से जब बाहर निकल के आ जाता है ना, जब ऊपर नीचे हो जाता है कबूतर, जब ऊपर नीचे हो जाता है कबूतर घर पकड़ लेता है। ये बात याद रखना आप, जब भी कबूतर जाल से बाहर निकलता है, आपके कबूतर ऊपर नीचे कर दिया और एक तावा कबूतर ने लेके बैठ गया ना, एक तावा कबूतर लेके बैठ गया, तो आप समझ लें आपका कबूतर ने घर पकड़ लिया है। आपने उसका दाना पूरा करना है, आपने उसको चिकनाव लगाना है, ताकि वो दोबारा जो उठे ना, अगर वो भटकने की कोशिश भी करे तो वो जो है कबूतर किसी के पास घेरे ना, वापस अपने घर पर आ जाए। अक्सर भाई क्या करते हैं, कबूतर का जैसे ही खुलत भी हो जाती है, कबूतर के तावे भी ले लेते हैं भाई, दाना फिर भी खींच के रखते हैं। नहीं, जैसे ही कबूतर तावा ले ले, पहला तावा कबूतर ने ले लिया, आपने उसका दाना बराबर करना है, ताकि कबूतर भूख की वजह से ना पिटे, क्योंकि कबूतर की जो आदत है ना वो ख़राब होती है कुछ कबूतरों की, जो उठ के जाने की हरकत करते हैं। लेकिन अगर वो कबूतर जाएगा, अगर उसके पेट में दाना होगा, सब चीज़ होगी, भूख में नहीं होगा, कबूतर जाके वापस अपने इसी घर पे आ जाएगा, क्योंकि वो जाएगा पुराना घर ढूंढने, उसे पुराना घर जब नहीं मिलेगा तो भूख में भी नहीं होगा, तो वापस इसी घर पे लौट के आ रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए जैसे ही आपका कबूतर तावा ले ले, आपने दाना पूरा करना है, सब चीज़ पूरा करनी है, और उसके बाद पाँचवें छठे दिन आपने चिकनाव लगा देना है। और ये करते कराते आपको आपके घर में एक हफ्ता कबूतर पुराना हो जाता है, जबकि कबूतर जब एक हफ्ता घर में पुराना हो जाता है तो कबूतर घर पकड़ भी लेता है, ठीक है। अपने पिंजरे की पतवास को भी पकड़ लेता है, अपने जाल को भी पकड़ लेता है, और बाहर का जो मैदान जो पिंजरे से बैठ के देख रहा होता है उस मैदान को भी पकड़ लेता है कबूतर एक हफ्ते के अंदर अंदर।
ठीक है, ये सब करते कराते हमें एक हफ्ता लग जाता है कबूतर को। जैसे ही ये सब चीज़ हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, चिकनाव देना है और कबूतर को तावे कराना है। चिकनाव दें, पानी दें, तावे कराएं, ठीक है, सब चीज़ करें और कबूतर फिर इंशाल्लाह लड़के भी निकलेगा। हाँ, बशर्त ये होना चाहिए कबूतर आपका लड़ता हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने इसको चिकनाव दे देने, खमीरे के एक दो चिकनाव दबा के मार देने कबूतर को, ताकि पेट भर जाए उनका और अंदर से जो है ना तमन्ना, जो हम जितनी हमने हमने उसे भूख दी है वो भूख उसकी ख़त्म हो जाए। उसके बाद कबूतर को तकरीबन 3-4 दिन में सेट करने के बाद कबूतर लड़ाना शुरू कर दें, ठीक है। बस तो ये थी वीडियो, और चिकनाव की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सा जो है कबूतर को खुल्लत के बाद कौन सा चिकनाव लगाएंगे जिससे कबूतर जल्दी भर जाएगा, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप भाई को बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।